अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, वी आर ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी जनाब, ये है संडे मॉर्निंग, सुबह आगाज़ हो चुका है, सूरज तुलू हो चुका है और अपनी किरणें चारों तरफ फैला चुका है। चिड़ियों को दाना पानी डाल दिया गया है और यहाँ पे मैं आपको सुबह का हसीन नज़ारा दिखा रही हूँ। ये रही मेरी अचार की बॉटल, जिसको मैंने हंडिया से अचार को जार में शिफ्ट कर दिया है और इसी तरह से हमारी सुबह की का आगाज़ हुआ। और जी जनाब, और जो है अल्लाह ताला की, तो आपको तो पता है सुबह तो होती दिल फरेब, दिलकश, दिल आवेज़ है और अल्लाह ताला की तो हर बनाई हुई चीज़ में अपनी एक अलग खूबसूरती है। और ये नज़ारे अल्लाह ताला की कुदरत की गवाही देते हैं, बड़ाई की बयान करते हैं। 6 hours later. बाकी दिन भर की लोगों ख़ास रिकॉर्डिंग करी नहीं, वही यूजुअल रूटीन थी। और आपको जैसे क्या पता है कि सैटरडे संडे एज़ यूजुअल, जैसे बच्चों से वादा किया गया था कि 5 days आप टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप उनको सैटरडे संडे को सरप्राइज़ मिलेगा, और वो सरप्राइज़ आज अभी हम उनको देने जा रहे हैं। मगरिब का वक्त हो चुका था और वो सरप्राइज़ है क्या? तो जी जनाब, अब ऐसे छोटे छोटे सरप्राइजेस दे के आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो है कि कहते हैं लाखों खर्च करने हैं, करोड़ों खर्च करने हैं बच्चों को खुश करने के लिए। आप छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को खुश कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशियाँ तो होती ही इन छोटी छोटी चीज़ों में हैं। तो जी जनाब, हम लेकर जा रहे थे बच्चों को पार्क, हमारे घर के करीब ही है। 1 hour later. जी, ये पार्क हमारे घर के करीब ही था, तो वो हम वॉक करते करते ही गए थे और बहुत अच्छी राइड्स वगैरह थी यहाँ पे। और ये जो है प्ले एरिया था इन्फेंट्स के लिए, 15 months old के लिए, हालांकि यहाँ पे कुछ बड़े बच्चे भी नज़र आ रहे थे। एजान, रोहान, लुक हियर, रोहान, कैसा लगा सरप्राइज? एजान, पहले से शक था। हाँ तो जी जनाब, आपने बच्चों की बात सुनी, तो जी ये अच्छा लगा उनको, सरप्राइज़ उनको लग रहा था कुछ ऐसा ही होगा। और जैसे मैंने पहले ही इनको बता चुकी थी कि सरप्राइज़ जो आपको मिलेगा वो किसी भी किस्म का हो सकता है, हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं या फिर हम कहीं आपको घुमाने लेकर जा सकते हैं। और 3rd week था और हमने इनके सरप्राइजेस पूरे करे। और जस्ट ये कि कभी अपनी मनवानी पड़ती है और कभी जो ये कहते हैं बच्चों की माननी पड़ती है, और मतलब यानी कि हर बच्चे की नेचर अलग होती है। अब मैं जब इज़ान छोटा था, बीइंग अ फर्स्ट टाइम मॉम, मैं इज़ान पे बहुत ज़्यादा रोक टोक सख्ती पाबंदी करती थी, और वो बच्चा जो है कहते हैं इस नेचर का नहीं है, उस पर जितनी सख्ती की जाती थी उतना ही ज़्यादा बिखरता था। तो अब जो है कहते हैं मैं उसकी नेचर समझने लगी हूँ कि उससे आप खेल खेल में जितना कुछ करवाने वो करेगा, प्यार प्यार में सब कुछ करेगा, लेकिन जहाँ उस पर आप जो है कहते हैं सख्ती करोगे, ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो वो फैल जाएगा। और रूहान की नेचर अलग है, तो बच्चों को बच्चों की नेचर के हिसाब से लेकर चलना चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है कि टाइम टेबल वाला जो मामला था वो सेटल रहा, और बच्चे जो है इस टाइम टेबल की वजह से जो कहते हैं बहुत से अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कर रहे हैं और मुझे तो फ़ायदा नज़र आ रहा है। और इनफैक्ट इनके कारी साहब ने भी चीज़ नोटिस करी कि जो आपने टाइम टेबल बनाया है बहुत अच्छा करा, इससे जो ना कहते बहुत फ़र्क पड़ा और माशाल्लाह इज़ान जो है बहुत अच्छा जो है कुरान पाक पढ़ने लगे हैं और सबक को बहुत अच्छा निकालने लगे हैं, और सब बच्चों में सबसे अच्छी प्रोग्रेस इज़ान की चल रही है। तो जब आपके बच्चे के बारे में कोई इस तरह की बातें करें तो दिल सुनकर बहुत खुश होता है, और फिर रिवॉर्ड तो मिलता ही है बच्चों को, रिवॉर्ड और बच्चों की खुशी आप देख रहे हैं कि इनके चेहरे पे खुशी जो है इनकी दीदनी है और बहुत खुश थे। सुफियान यहाँ बैठ नहीं रहते और रिमोट कार में थोड़ी सी ग्रीनरी थी, बैठने की नहीं थी यहाँ पर मौजूद, तो बस इसी तरीके से हमने बच्चों को इन्जॉय करवाया। और फिर जो है छोटे मोटे सरप्राइज़ देते रहा करें बच्चों को, बच्चे भी खुश रहेंगे। लेकिन ये कि आप सरप्राइजेस देने के लिए मकसद एक वक्त होना चाहिए, वक्त का तायुन कर लें। ये नहीं कि आप हर दूसरे दिन पार्क लेकर जा रहे हैं, या फिर क्योंकि बच्चा जब आदी हो जाएगा इस चीज़ों का तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कोई सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो मेरी एक टीचर थी, वो कहा करती थी कि आप शुरू से ही बच्चे को फैसिलिटेट करेंगे और हर चीज़ उसके पास होगी, आई फोन हो गया या कुछ भी मोबाइल वगैरह सब चीज़ उसके पास होगी, तो वो कोशिश ही नहीं करेगा कभी पढ़ने की, क्योंकि भाई बग़ैर मेहनत किए बग़ैर पढ़े मुझे सब चीज़ें मिल रही हैं, मुहैया की जा रही हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो बेसिक थिंग इज़ डैट कि आप बच्चों को सरप्राइजेस दीजिए,
कि बच्चे खुश हों और उनको अप्रिशिएट करिए उनके अच्छे काम के ऊपर। अप्रिशिएट करेंगे अच्छे काम पे, को गिफ्ट देंगे, रिवॉर्ड देंगे, तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा करने से हमें कुछ अच्छा मिलता है, तो उनके अंदर लगन और जस्तजू बढ़ती जाएगी। तो मेरा मोटिव यही है और उम्मीद है आप लोग को मेरी बात समझ में आई होगी। और मैं बच्चों को बेजा उनकी फरमाइशें पूरे करने के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि हर दूसरे दिन जो नगर हम उनकी फरमाइशें पूरी करें, लेकिन विद इन अ वीक एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन हम उनकी फरमाइशें पूरी करें। तो इट विल हेल्प इन योर पेरेंटिंग रूट। तो होप आप समझ सकते हैं। A few moments later. बस यूँ हमने पार्क से रवानगी ली और चूँकि मैंने कहा था कि वॉकिंग डिस्टेंस भी पार्क था, तो हम वॉक करते करते ही जा रहे थे। बड़ा ही प्यारा, बड़ी साफ़ सुथरी सी लेन है ये, दोनों साइड्स पे दरख्तों की तरफ क्यारियाँ बनी हुई, गार्डन्स बने हुए और बड़े बड़े से दरख्त, और ये सदाबहार फॉर एवर। और जो कहते हैं इस तरह से हम बच्चों को थोड़ी काओ गोट्स भी दिखाई कि ताकि वो और मज़ीद खुश हो जाएँ। और हेयर से धूम मचा ले बाइक, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे, तो मैं ज़रा थोड़ा इसका भी क्लिप बनाती हूँ। तो इसके साथ ही हमारा दिन का अख्ताम हुआ, घर आए, डिनर करा। और बस अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।